वेलकम बैक दोस्तों एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हमारे बुया पास सीजन 6 को। देखेंगे कि क्या सारा आइटम दिया इस बार इन्होंने, क्या आपको उसको लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हालांकि सब कॉन्सेप्ट तो वही है, सब कस्टमाइजेशन का, लाइक जो भी आप अपग्रेड करोगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड हमारे इस बुया पास सेक्शन में चलते हैं, जो कि इस बार अपडेट के बाद इन्होंने पूरा यूआई को जो चेंज कर दिया। तो हम इसको पूरा रिव्यू करेंगे कि इस बार इन्होंने क्या क्या आइटम्स दिए हैं। तो ये रहा, बस सिंपली आपको बुया पास में क्लिक करना है। यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल यूआई दिया है। अच्छा, तो ये हमारा बुया पास है जो कि पूरा एक कॉमिक वाला थीम लग रहा है और इसका नाम भी इन्होंने कुछ ऐसा ही दिया है, कॉमिक चाओस करके दिया है। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? तो देखते हैं यहाँ पे सारा सीन क्या है। फर्स्ट लेवल पे इस बार इन्होंने क्या दिया है, हर बार की तरह शायद ये पेट बंडल है, सॉरी पेट क्रेट है। नहीं, इस बार इन्होंने कैरेक्टर क्रेट दिया है। बढ़िया। और गन स्किन में इस बार इन्होंने डबल वेक्टर को दिया है। तो ये हमारा फीमेल का बंडल है जो कि सेम कॉमिक की तरह ही लाल काला जो भी दुनिया भर का घुसेड़ दिया है। एंड आगे चलते हैं एंड देखते हैं, ये 20 लेवल पे तो ये बैनर दिया है जो कि काफ़ी कूल दिख रहा है। एंड ये क्या है? अच्छा, लूट बॉक्स है। वाह भाई, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट लाया उन्होंने लूट बॉक्स का, के वो मतलब वो पूरा गेमिंग वाला थीम है। एंड हमारा मेल बंडल देखते हैं, ये हमारा मेल बंडल है बट यहाँ पे अजीब दिख रहा है, और ये बैनर में ग्रीन क्यों दिख रहा है? शायद से वो ग्रीन जो है वो बेसिक रहेगा और ये अपग्रेड करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या सारा सीन है यहाँ पे। और बाकी सब तो वही चिंदी चिंदी आइटम है। और अच्छा, ये ग्रेनेड है जो कि 80 लेवल्स पे फ्री वाले को भी मिलेगा एंड जो ने भी बुया पास लिया हुआ है उन्हें भी मिलेगा। एंड ये हमारा अच्छा यहाँ से ख़त्म होता है। तो यहाँ 140 लेवल पे आपको ये बैकपैक मिलेगा जो कि बहुत ही मतलब ओके ही है। अच्छा, ये पेन स्किन भी दिया इन्होंने, मतलब इस बार सब नया नया निकाल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बस ये आएगा, बीच में कुछ और दे रहे हैं। चलो बढ़िया है। एक मिनट, ये क्या? अच्छा, ग्लू वॉल दे दिया इन्होंने। ग्लू वॉल शायद इन्होंने एक सीजन 1 में दिया था बुया पास के, और एक ये अब दे रहा है ये ग्लू वॉल जो कि ओके ही है मतलब। और ये हमारा जो भी इलाइट पास के बंडल है वो है जो कि बहुत अल्ट्रा से भी अल्ट्रा रेयर होते हैं। तो खैर चलते हैं, अब इसे हम अपग्रेड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही सेम है 499 एंड 999 वाला, आपको दोनों में से जो भी पसंद हो आप वहाँ जा सकते हो। एक्सक्यूज मी ब्रदर, तो हमेशा की तरह 99 वाला ही लेंगे यहाँ पे। तो ये फाइनली हम यहाँ पे बुया पास सीजन 6 को अनलॉक कर चुके हैं। देखते हैं, देखो ये भी बोल रहे कि हमने 6 बार ले लिए, चलो अच्छा है। अब बैक करते हैं, ये जो सारा रिवॉर्ड से इसको फटाफट हम क्लेम कर लेते हैं एंड चलते हैं फिर लॉबी के अंदर एंड सारा देखते हैं कि सारा सीन क्या है इस बंडल का बुया पास का। तो यहाँ पे हम फटाफट इसे क्लेम कर लेते हैं। A few inches later. तो हो चुका है हमारा यहाँ पे क्लेम पूरा, सारा ये बुया पास को हमने यहाँ से क्लेम कर लिया है। एंड और तो सब मैं मिशन करके ही ले लूँगा, अभी नहीं लूँगा क्योंकि पिछले बार का कुछ ज़्यादा ही मेरे पास टोकन्स कलेक्ट हो गए थे। तो यहाँ लैब सेक्शन में चलते हैं एंड हमारा जो बुया पास का बंडल है उसको हम देखते हैं कि क्या सीन है। ये रहा कॉमिक चाओस करके, फर्स्ट पे ही है यहाँ पे, तो क्लिक करते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल भी बेसिक बंडल है, हालांकि इसका थोपड़ा हटा दो बाकी सब ओके है। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, मतलब अभी इसका जो थोपड़ा का जो ये टोपी ये सब नहीं मैच किया है। और ये उसका एक लेवल अप, मतलब एक लेवल अपग्रेड करते हो तो अच्छा है, थोड़ा स्पेशल इफेक्ट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे थोपड़े को छोड़ के। और ये हमारा ओवरऑल जब आप पूरा ही अपग्रेड कर लोगे 140 टोकन देके, जो कि बहुत ही मतलब थोपड़ा थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है एंड आपको इसमें कुछ स्पेशल एनिमेटेड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। एंड ये हमारा रनिंग इफेक्ट, अगर आप भागते हो तो आपके पीछे से ऐसे धुएं निकलेंगे, चलो ये बढ़िया है। और ये हमारा ये क्या है? अच्छा, ये वेपन स्विच इफेक्ट है, मतलब आप जब भी वेपन निकालोगे तो आपके पीछे से ऐसा 2 एरो निकलेगा, मतलब पूरा कॉमिक के ऊपर ही दे दिया इन्होंने। खैर कोई नहीं, हम अभी बैक करते हैं क्योंकि अभी हमारे पास डायमंड बचे हुए, तो हम क्यों ना वो जो पोकर MP40 का इवेंट आया है उसमें जाके उस पोकर MP40 को ही निकाल ले, क्योंकि ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे कुछ 39 टोकन्स और चाहिए
पोकर MP40 के लिए। तो यहाँ से मैं इसको स्पिन कर देता हूँ एंड देखते हैं हमारे कितने टोकन्स कलेक्ट होते हैं या फिर हमें कुछ रेयर मिलते हैं यहाँ पे। रेयर तो नहीं मिलेंगे क्योंकि इन्होंने इस बार टोकन बहुत कम दिया है एंड पता नहीं ये क्या कर रहे हैं वाले लोग। यहाँ पे तो ठीक ही ठाक टोकन मिला है, 227 हुआ है, मतलब यहाँ पे हमें 23 टोकन्स और चाहिए, मतलब एक स्पिन करूँगा सब हो जाएगा अगर अच्छा खासा टोकन मिला तो। अगर ये एक टोकन दो दो टोकन देंगे तो डाउट है। देखते हैं तो यहाँ पे इन्होंने कितना टोकन्स दे दिया, शायद हो गया रहेगा। ओ भाई एक टोकन से चूक रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई नहीं एक स्पिन कर देते, एक टोकन मिल जाएगा एक स्पिन में। बहुत बढ़िया एक टोकन मिल गया। तो हमारे पास यहाँ पे 250 टोकन हो चुके हैं, इसका मतलब है कि हम ये पीला वाला जो MP40 है उसको हम ले सकते हैं जो कि बहुत ही लेजेंडरी MP40 है ये। तो ठीक है ये फाइनली तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। अगर आपको इसके ऊपर एक गेम प्ले चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना एंड अभी तक वीडियो में बने हो तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलते हैं वेपन सेक्शन में, इसको इक्विप करते हैं एंड देखते हैं कि क्या है, कैसा दिखेगा ये हमारे हाथों पे। बहुत सही दिख रहा है ये बंडल को, मैं बाद में इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।